अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं करण नाज। आज वो चांद नमूदार हो गया कि जिसने आँख खोलते ही सबसे पहले रुख मुस्तफ़ा देखा, जिसने कायनात ने शेर खुदा, दामाद मुस्तफ़ा, सरदारान जन्नत के बाबा, खातून जन्नत के हमसफ़र, हैदर कर्रार, मौला मुश्किल कुशा, मौला अली करमुल्ला वजहुल करीम के नाम से पहचाना, औलिया अल्लाह के सरताज, शहनशाह रूहानियत, इल्म का रोशन दरवाज़ा, हिदायत का मंबा, अदल को जिससे पहचान मिली, इंसाफ ने जिससे पनपना सीखा, जिसने क़यामत तक के लिए इस एक फरमान के ज़रिए दरियाए अदल को कूजे में समो दिया कि कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं। जब एक बूढ़े यहूदी को कूफे में भीख मांगते हुए देखा तो सवाल किया, मेरी हुकूमत में भीख क्यों मांग रहा है? उसने कहा, या अली, कल तक मुझमें कुव्वत थी, काम करता था, लेकिन अब मुझमें कुव्वत नहीं रही। आपने हुक्म दिया इसकी तमाम ज़रूरतों को बैतुल माल से पूरा किया जाए, महाना वजीफा दिया जाए। सवाल हुआ, या अली, ये यहूदी है? फरमाया, ये एक इंसान है और अब हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। एक शख्स ने आपके खिलाफ शिकायत की, आप उसके साथ काजी के दरबार में पहुंचे तो काजी ने आपको ऐबुल हसन कहकर मुखातिब किया। जब मुकदमे का फैसला हो चुका तो आपके चेहरे पर नाराजगी देखी। काजी ने सबब पूछा तो फरमाया, तुमने मेरे मुद्दई को नाम लेकर बुलाया लेकिन मुझे कुन्नियत यानी ज्यादा एहतराम और इज्जत के साथ बुलाया। अदल का तकाजा था कि तुम मुझे भी नाम लेकर बुलाते। हजरत इब्ने अब्बास आपके पास आए तो आप अपना फटा पुराना जूता सी रहे थे। इब्ने अब्बास से पूछा, तुम्हारी नजर में इस जूते की क्या कीमत होगी? उन्होंने कहा, कुछ नहीं या अली, ये तो बहुत बोसीदा है। तो फरमाया कि मेरी नज़र में इस हुकूमत की कदर कीमत इस जूते से भी कम तर है, बस ये कि हुकूमत के ज़रिए मैं अदल को नाफिस कर सकूं, हक को कायम और बातिल को मिटा सकूं। एक शख्स को काजी बनाकर भेजा लेकिन फिर कुछ ही अरसे के बाद माजूल कर दिया। तो उसने पूछा कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने न तो कोई खयानत की और ना ही किसी तरह की नाइंसाफी और जुल्म, फिर मुझे क्यों माजूल कर दिया? तो आपने फरमाया कि मैंने देखा कि तुम्हारी आवाज़ साइल की आवाज़ से बुलंद हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। सहाबा कराम अजमईन तीनों खुलफाए राशिदीन हज़रत अली की तरफ रुजू करते, खुसूसन हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में आपने अक्सर मुकदमात के फैसले किए। नाज़रीन, ये रियासत मदीना के हाकिम हैं। मुस्लिम उम्मा के हुक्मरानों को मौला अली, सहाबा कराम, अहले बैत और हार के नक्शे कदम पर चलने की ज़रूरत है।